ए कृष्णा, तू रो क्यों रहा है यार? इसकी प्यार की कहानी सुनने के बाद लगता है मेरी प्यार की कहानी ज्यादा अच्छी है। तेरे भी लव स्टोरी है क्या? तूने कब लव किया था यार? अंदर ही अंदर सब कुछ कर लिया। अरे सुनो सुनो, इसकी जो एक लव स्टोरी है ना, वो बिल्कुल उसके जैसी है जैसे रिबन काट रहे हैं। ये गलत रास्ता है बेटा। अभी तक वो लड़का आया क्यों नहीं? चल रहा है इन लोगों में? इनका क्या है ना, लव देख देख कर मैं पूरी तरह से पक चुका हूँ। बहुत दिनों से प्यार का बीज डाल रहा है, पौधा निकल ही नहीं रहा है, और सॉन्ग देखो बिना गैप किए प्ले कर रहा है। यहाँ रहेंगे तो ये रोग हमें भी लगेगा। चलो यहाँ से गिरीश। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये अपने आप से क्या बातें कर रहा है? ऐसे ही देखते रहूंगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और वो भी बूढ़ी हो जाएगी। अब जो भी होगा देखा जाएगा, दिल की बात उसे बताकर ही रहूंगा, आज तो आर या पार करके ही रहूंगा। देखो अगर मेरे साथ शादी करोगी तो तुम उल्टी करोगी, और अगर तुमने मना कर दिया तो मैं बार में जाकर पीऊंगा और उसके बाद मैं उल्टी करूंगा। ये क्या कह रहा है? अब दोनों में से किसी न किसी को तो उल्टी करनी ही है, समझी? ये यही आ रहा है, लगता है ये कुछ गलत जरूर करेगा। कुछ भी हो, मुझे खुद को संभाल कर रखना होगा। हाँ यही। जरा अपनी आंखें खोल कर देखो।
चलो श्रुति हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल? और कुछ ही दिनों में तुम्हारा ऑपरेशन है ना। ऑपरेशन? क्या हुआ इसे? उसने मुझे धोखा दिया। हाँ, मुझे कभी नहीं बताया कि मैं हैंडीकैप हूं, मैं चल फिर नहीं सकती। नहीं बताकर धोखा दिया। अब देखना मैं क्या करता हूं। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ तूने चीट किया ना। हाँ हाँ, और अब फोन कर रही है। रुक, बताता हूं तुझे। सॉरी, मैं तुम हैंडीकैप्ड हूं ये बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में प्यार देखकर सब कुछ भूल जाती थी। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहती। मैं तो ऐसी बात सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। मैंने एक हैंडीकैप से प्यार किया है, ये सोचकर अपने दिल को दुख मत देना। तुम किसी दूसरी अच्छी लड़की को देखकर शादी करके खुश रहना मेरी वजह से। अगर तुम्हें तकलीफ हुई हो तो मुझे प्लीज माफ कर देना। उसके बाद क्या हुआ यार? मैंने एक दिन फिर से उसे फोन किया। हेलो, सुनो श्रुति, मैं तुम्हें एक बार और प्रपोज कर सकता हूँ? श्रुति, अब तुम्हें एक और बात बताऊं, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाने के बाद तुमसे शादी करूंगा। बताओ श्रुति। तो क्या है ना यार, कि हमारे शरीर में हुए गहरे जख्म को भी डॉक्टर ठीक कर देते हैं। और फिर पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे दिल को कभी नहीं दुख पहुंचाऊंगी, ऐसा कहने वाली कोई लड़की किसी नसीब वाले को ही मिलती है।
कुछ लोग राम का नाम रखकर गोपियों के साथ रासलीला करके कृष्ण का अवतार दिखाते हैं, लेकिन तू कृष्ण का नाम रख के श्री राम जी जैसा जी रहा है दोस्त। कृष्णा, पहले काउंटर में जाकर पैसा जमा कर, हमारी बहन दो पैर में चलकर आएगी, उसे देखकर हमें बहुत खुशी मिलेगी, जल्दी जाना। इसका ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। इधर आओ।